गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। सो क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट है कंप्यूटर, चैप्टर है 5 मोर ऑन एमएस वर्ड और पार्ट है इसका 1। अब हम एमएस वर्ड के बारे में और भी जो ऑप्शंस हैं, उसके फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट चैप्टर। एमएस वर्ड प्रोवाइड्स MS Word provides the user some special features to create stylish text. We can create different types of attractive documents using these features. Some of these are word art, clip art or tables. अब देखिए MS Word है, वो और भी फीचर्स है वो प्रोवाइड करवाता है यूजर के लिए। तो MS Word provides the user some special features to create stylish text. देखिए MS Word है वो यूजर को प्रोवाइड करवाता है कुछ स्पेशल फीचर्स टू क्रिएट स्टाइलिश टेक्स्ट, ताकि आप अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश बना सके, एट्रैक्टिव लुक दे सके। तो वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट यूजिंग दीज फीचर्स। इन फीचर्स का यूज करके हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, एट्रैक्टिव बना सकते हैं। सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ हैं जैसे वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट और टेबल्स। सबसे पहले देखते हैं वर्ड आर्ट। It is a text styling feature in MS Word. We can add special pack and designs to our documents. Our documents
with document with the help of word art it gives decorative effect to our text such as waves, curved, colored, shaded, three-dimensional, ठीक है। अब देखिए वर्ड आर्ट क्या है, तो इट इज ए टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर इन एमएस वर्ड। ये एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर है जो टेक्स्ट में एक स्टाइल लेकर आता है। तो वी कैन ऐड स्पेशल इफेक्ट एंड डिजाइन टू आवर डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट में एक विशेष एक स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं और एक डिजाइन भी ऐड कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। तो इट गिव्स डेकोरेटिव इफेक्ट टू आवर टेक्स्ट। ये क्या करता है, हमारे टेक्स्ट में डेकोरेटिव इफेक्ट देता है जिससे हमें ये लगता है कि हमारे टेक्स्ट को डेकोरेट किया है। तो सच एज जैसे वेव्स, कर्व, कलर्ड, शेडेड, थ्री डायमेंशनल, ये सब इसके पार्ट हैं। अब देखिए दिस इज वर्ड आर्ट। इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, हम वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो टू इंसर्ट वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के लिए ओपन ए फाइल इन वर्ड, आपको वर्ड में एक फाइल ओपन करनी होगी एंड क्लिक एट द प्लेस, और उस प्लेस पर आपको क्लिक करना होगा वेयर यू वॉन्ट टू एड द वर्ड आर्ट इफेक्ट, और जहाँ पर आप वर्ड आर्ट के इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, तो देखिए क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट बटन इन द इंसर्टिंग। सबसे पहले इंसर्टिंग में आपको वर्ड आर्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट एरो, फिर आपको वर्ड आर्ट का जो एरो होता है उस पर क्लिक करना होता है। द वर्ड आर्ट गैलरी इज डिस्प्लेड, जो वर्ड आर्ट की गैलरी उसको डिस्प्लेड करती है। फिर देखिए थर्ड स्टेप है चूज द स्टाइल ऑफ वर्ड आर्ट विच यू वॉन्ट, फिर आपको वर्ड आर्ट की स्टाइल चूज करनी है। ये देखिए इसमें स्टाइल्स दे रखी हैं, शेडोज, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बीवेल, 3D रोटेशन, ट्रांसफॉर्म्स, ये आपको इसके इफेक्ट दे रखे हैं, उसकी स्टाइल दे रखी है जो आपको चूज करनी है। फिर देखिए फोर्थ स्टेप है ए टेक्स्ट बॉक्स अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट, एक टेक्स्ट बॉक्स है जो अपीयर हो चुका है, टाइप द टेक्स्ट इन द बॉक्स। ये देखिए यही वो टेक्स्ट बॉक्स है जो डॉक्यूमेंट में अपीयर हो चुका है, टाइप द टेक्स्ट इन दिस बॉक्स। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं इस बॉक्स के अंदर। फिर देखिए सेलेक्ट द स्टाइल ऑफ लेटर्स फ्रॉम द वर्ड स्टाइल ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव में से आप वर्ड स्टाइल ग्रुप में से लेटर्स की जो स्टाइल है वो भी आप चूज कर सकते हैं। ये देखिए वर्ड स्टाइल ये रही, ये देखिए ये है वर्ड स्टाइल, आप इसमें से चूज कर सकते हैं कि आप किस तरह का वर्ड लिखना चाहते हो। और नेक्स्ट है यू कैन एडिट वर्ड आर्ट एज पर योर नीड्स बाय गोइंग टू द होम एंड फॉर्मेटिंग, आप वर्ड आर्ट में अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, या तो आप होम टैब में जाओ या फिर आप फॉर्मेट टैब में जाना है।
नेक्स्ट स्टेप है चूज द शेप फिल शेप आउटलाइन एंड शेप इफेक्ट ऑप्शन टू एडिट वर्ड आर्ट। अब जो आप एडिट करना चाह रहे हो वर्ड आर्ट में तो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा, या तो आप शेप फिल चूज करो या फिर शेप आउटलाइन चूज करो या शेप इफेक्ट, ये जो ऑप्शन है वो आपको चूज करने होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप कंटेन ए वर्ड आर्ट गैलरी विच कैन ऑल्सो बी ओपन बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन बटन। फिर आपको ये देखना है कि वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में आपको वर्ड आर्ट गैलरी है विच कैन ऑल्सो बी ओपन, आपको ये ओपन करनी है, जो आपको ड्रॉप डाउन बटन में से आप क्लिक करोगे तब आपके पास ओपन होगी। चूज द डिज़ायर्ड वर्ड आर्ट स्टाइल, उसके बाद आप वर्ड आर्ट की स्टाइल को ईजीली चूज कर सकते हो। फिर देखिए चेंजिंग द कलर ऑफ वर्ड आर्ट, हम चेंज कैसे कर सकते हैं वर्ड आर्ट में कलर, ये आपने लिखा है तो इसमें आप कलर चेंज कैसे कर सकते हो, तो देखिए टू चेंज कलर ऑफ टेक्स्ट इन वर्ड आर्ट फॉलो दीज स्टेप्स। अगर हमें वर्ड आर्ट में कलर चेंज करना है तो हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप है इन द वर्ड आर्ट स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में क्लिक ऑन टेक्स्ट फिल, आपको टेक्स्ट फिल ये देखिए रेड रेड लाइन में आपको बताया ना, ये टेक्स्ट फिल है जो आपको इस पर क्लिक करना है। ए ड्रॉप डाउन मेन्यू इज डिस्प्लेड विद डिफरेंट कलर ऑप्शन, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये देखिए, ये मेन्यू अलग अलग कलर्स के साथ प्रेजेंट हो चुकी है, इसमें कलर के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं, तो चूज द डिज़ायर्ड ऑप्शन, आपको जो भी ऑप्शन सही लगे आप उसमें वो चूज़ कर सकते हैं। अब देखना है टू मूव वर्ड मूविंग वर्ड आर्ट, मूव कैसे कर सकते हैं वर्ड आर्ट में, तो देखिए टू मूव वर्ड आर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द स्क्रीन फॉलो दिस स्टेप्स। अगर आपको वर्ड आर्ट को मूव करवाना है वन प्लेस टू अनदर तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखिए स्टेप नंबर वन है क्लिक ऑन द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द टेक्स्ट। फिर देखिए सेकेंड नंबर है क्लिक ऑन द पोजिशन, क्लिक ऑन द पोजिशन, ऑन द पोजिशन बटन बटन इन द अरेंज अरेंज ग्रुप ग्रुप ऑफ फॉर्मेट ए। फिर देखिए नंबर थर्ड है सेलेक्ट सेलेक्ट द पोजीशन व्हिच यू वांट व्हिच यू वांट ऑन द स्क्रीन ऑन द स्क्रीन। देखिए फर्स्ट स्टेप है मूविंग वर्ड आर्ट के लिए क्लिक ऑन द टेक्स्ट, सबसे पहले आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन द पोजीशन बटन इन द अरेंज ग्रुप ऑफ द फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग पे जो अरेंज ग्रुप है उसमें आपको पोजीशन बटन पे क्लिक करना है। थर्ड स्टेप है सेलेक्ट द पोजीशन विच यू वॉन्ट टू ऑन द स्क्रीन, उस स्क्रीन पर वो पोजिशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं। तो देखिए ये देखिए इसमें आप क्या करना चाहते थे, इसमें मूविंग वर्ड आर्ट करना चाहते थे। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या किया,
सबसे पहले आपने क्लिक ऑन द टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक किया और आफ्टर दैट ये पोजीशन बटन है, इस पे आपने क्लिक किया और इसमें से आपने सेलेक्ट द पोजीशन, ये देखिए आपने पोजीशन सेलेक्ट करी, ये देखिए द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ये क्या हो गया, स्टोरी का टाइटल हो गया है। अब ये देखिए स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम अ हंग्री फॉक्स अराउंड हियर एंड देयर सर्च बिकॉज ऑफ हंगर ही वॉज फील टायर्ड, ये स्टोरी है। तो देखिए आप इसको, और ये देखिए बहुत तरीके हैं, बीच में भी टाइटल आ सकता है, तो आप जो भी ऑप्शन चूज करना चाहते हो मूविंग वर्ड आर्ट के लिए तो आप चूज कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।